पूरा जंगल जल चुका है यार। ओ माय गॉड, ये जितने लोग बोलते ना यहाँ चीते बाहर आ रहे हैं, लेपर्ड बाहर आ रहे हैं, बच्चे उठा लिए, कुत्ते उठा लिए, बेटा और कहाँ जाएंगे, जंगल तो तुमने जला दिया सारा। तीन चीज़ों का नुकसान, नेचर का, पेड़ पौधे जल गए, स्मोक फैल गया, चारों तरफ इतना स्मोक फैल रहा है कि इसकी वजह से आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और तीसरा वाटर पॉल्यूशन, इसके वजह से कितना पानी वेस्ट हो रहा होगा। क्या आप लोग ऐसा देखना चाहते हैं हिमाचल को? जिस भी बंदे ने इसको आग लगाई है ना बेटा, और अगर तू देख रहा है, जिस दिन तू पकड़ा गया ना, क्या हाल चाल है बादशाह? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सेफ होंगे। अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। हम लोग शूट कर रहे थे एक मॉडिफाइड मारुति 800 का, वहाँ पे देख सकते हैं आप, वहाँ पे खड़ी है अगर आपको दिख रही होगी। एंड यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि आग लगी पड़ी है, एंड हमने फिर जो है यहाँ के ओनर को बताया, एंड उन्होंने फायर ब्रिगेड वगैरह मंगाई है। सो ये अपने बंदे लगे हुए हैं, ठीक है। ये हितेश भाई है, शुभम भाई है, और डॉक्टर भाई है। डॉक्टर भाई क्या नाम है? नितेश भाई। सो नितेश भाई है, ठीक है जी। और वहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही भयंकर आग लगी पड़ी है। खोलो खोलो खोलो, करो आप, खींचो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने सारे बंदे लगे पड़े मेहनत करने आग बुझाने में, पता नहीं कैसे लग जाती है। तो मैं आप सभी को यार एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ यार थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। आप लोग आते हो घूमने फिरने, अच्छी बात है, टूरिस्ट हो आप लोग या जो भी हो, अच्छी बात है। कई लोग ऐसे आग लगा देते हैं, देख सकते हैं आप जंगल में किस तरह से बुरी तरह से आग लगी पड़ी है यार। ये देख सकते सारे बंदे लगे पड़े हैं। सो आज हम आपको मैकेनिज्म भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये काम करता है। एंड मैकेनिज्म के साथ साथ यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे बुझाती है आग। सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे ट्रांसफार्मर के नीचे आग लग रही है। बहुत अच्छा हुआ कि हमारी फायर ब्रिगेड टाइम पे आ गई। लाइन नहीं कटी है, आप सुन सकते हैं, लाइन नहीं कटी है। और एक नहीं मार सकते हमारे को, अगर अगर हम यहाँ पे, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे पानी मारेंगे तो हमारे को ही उल्टा करंट लगेगा। तो आप देख सकते हैं हम कैसे जान पे खतरे में। किसी जगह पर फोन कर दिया, बहुत ही ज़्यादा भयंकर जो है हो चुकी है आग। ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं पूरा जंगल जल चुका है यार। शिट, ओ माय गॉड। यहाँ पे देख सकते हो आप नीचे पूरा जंगल जो है पूरा बुरी तरह जल चुका है। एंड यार किसी एक बंदे की गलती की वजह से होता है ये, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। मैं भी चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप पीछे देख पा रहे होंगे ट्रांसफार्मर है। मैं नहीं चाहता कि ट्रांसफार्मर फटे और काम हो जाए, इसलिए साइड हो लेता हूँ मैं भी। ओ मैन, तो ट्रांसफार्मर में बड़े ध्यान से मारने पड़ रही है। तो छोड़ रहे ना, ये छोड़ना पड़ता है। हाँ, जैसे ये जैसे मार रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी वाले को तो वैसे कॉल किया है, बट अभी तक उन्होंने पावर जो है इसकी कट नहीं करी। ओ यार, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो सेफ रहे, तो ये देख लो भाई, ये देख लो, ये देख लो, आग आग पूरे जंगल में लग चुकी है, ये देखो। अगर आप चाहते हैं आपका फ्यूचर सेफ रहे, तो आपको सेव करना पड़ेगा इन पेड़ों को, पौधों को,
ठीक है, क्योंकि अगर ये पेड़ पौधे ही सेफ नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अपना कोई फ्यूचर रहने वाला है। हम तो फिर भी किसी तरह जी लेंगे, बट हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन होगी वो एकदम ख़त्म होने वाली है। शुक्र मनाओ कि इस बार जो अपना ये है फायर ब्रिगेड वाले हैं, ये काफ़ी कुछ टाइम पे आने पे हो गए हैं, नहीं तो ये तो पूरा जंगल है, जंगल देख सकते हो आप, अभी तो इतनी फैलती है कि पूछो मत। अभी देखते हैं ये इसे कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं। अपनी तरफ से तो यार पूरा लगे पड़े बेचारे, देखते क्या होता है। मैंने कई लोग देखे हैं मज़े के लिए आग लगा देते हैं, तो उनको एक बार मैं बता दूं कि ये देख रहे हो ऊपर, ये आप लोगों के फेफड़ों में जाएगा ये जितना भी धुआं है, ठीक है, ये आप लोगों के ही फेफड़ों में जाने वाला है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ही अपने लिए ख़राब कर रहे हो, अपने आने वाली जनरेशन के लिए सब कुछ ख़राब कर रहे हो। सो आपके लिए रिक्वेस्ट है एक छोटी सी, प्लीज़ भाई प्लीज़ ऐसा काम मत करो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अभी तो लग रहा होगा ओहो हो बड़ा मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, बट ये सब बेवकूफ़ी से सिर्फ मज़ा ही आएगा 5 मिनट का, आपका फ्यूचर ख़त्म है, ख़त्म। क्या ब्यूटी है यार यहाँ की, देख रहे हो, और क्या हो गया है धुएं धुएं से, देखा आपने, 3 चीज़ों का नुकसान, नेचर का, पेड़ पौधे जल गए, स्मोक फैल गया, चारों तरफ इतना स्मोक फैल रहा है कि इसकी वजह से आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और तीसरा वाटर पॉल्यूशन, इसके वजह से कितना पानी वेस्ट हो रहा होगा। इसकी वजह से आप लोगों को ये नहीं पता कि कितना पानी वेस्ट हो रहा होगा यहाँ पे। क्या आप लोग ऐसा देखना चाहते हैं हिमाचल को? जिस भी बंदे ने इसको आग लगाई है ना बेटा, और अगर तू देख रहा है, जिस दिन तू पकड़ा गया ना, शर्म आनी चाहिए तुमको जिसने भी ये काम किया है। सारा जंगल, ये जितने लोग बोलते हैं ना यहाँ चीते बाहर आ रहे हैं, लेपर्ड बाहर आ रहे हैं, बच्चे उठा लिए, कुत्ते उठा लिए, बेटा और कहाँ जाएंगे, जंगल तो तुमने जला दिया सारा। आप सभी से यार एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हिमाचल घूमने आते हैं या फिर कैंप फायर करते हैं कहीं पे, जाने से पहले एक तो पूरा ध्यान रखो उस पे, ठीक है, और सबसे पहली बड़ी बात है तो करनी नहीं चाहिए, क्यों भाई कैंप फायर ही करनी भाई, इतना जंगल है चारों तरफ क्या फ़ायदा है। अभी तो चलो हम लोग थे तो हम लोगों ने हेल्प कर दी, भाई ने इन लोगों ने बहुत हेल्प करी है यार, और अभी इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको ना उधर जाना है और उनका हेल्प करनी है, क्योंकि हमारा जो इस वाली वीडियो का मॉडिफिकेशन वीडियो आने वाला है इंजीनियर सिंह पे, ठीक है, बट अभी वहाँ पे जाना है और उनकी हेल्प करनी है क्योंकि वो बेचारे सिर्फ 2 लोग हैं, और यहाँ पे आग जो आप देख सकते हैं बहुत भयंकर फैल चुकी है। कोई जगह है क्या वन फायर करने की यार, ये कोई जगह है क्या जहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है? आवाज़ आपको यहाँ तक आ रही होगी, ठीक है, आग जो है बहुत ज़्यादा फैल गई है ना, बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो आप सभी को मना नहीं कर रहे यार, करो, पर ऐसी जगह करो जहाँ पे करनी चाहिए, यहाँ पे मत करो। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 3 चीज़ों का बहुत बड़ा इसमें जो नुकसान होने वाला है, पहले आपकी जो एयर पोल्यूशन होता है इससे, दूसरा आपके पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं, और तीसरा जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है। भैया इतना लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, जितना पानी यहाँ से इसको बुझाने में लग जाएगा, क्या आपको अंदाज़ा लगा सकते हो इस चीज़ का? प्लीज़ स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।